उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ऑन्टेरियो हुकूमत और क्यूब के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हुकूमत ने कारकुनों की हड़ताल पर पाबंदी का बिल पास कर दिया। सूबे में तालीमी कारकुनान का हड़ताल का फैसला बरकरार। कैनेडा हुकूमत महंगाई के सताए शहरियों की मदद के लिए कोशा। वजीर ख़जाना ने मिनी बजट पास कर दिया। मिनी बजट में तुलबा के कर्जों पर सूद माफ किया गया है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए फॉग एडवाइजरी जारी। जनूबी ऑन्टेरियो के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह सिफर तक पहुंच गई। यूक्रेन का ईरानी साख्ता 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। रूस ने यूक्रेन के मजीद इलाकों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी सदर जिंदा भी हैं या नहीं, यूक्रेनी ओहदेदार का तहलका खेज दावा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद फिर बढ़ा दी। बरतानिया में शरह सूद 14 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीका में महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व से शरह सूद में मजीद इजाफे की तवक्को। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत ने सूबे में बगैर किसी मुहायदे के मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद क्यूब के तालीमी कारकुनों की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का बिल पास कर दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत ने सूबे में बगैर किसी मुहायदे के मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद क्यूब के तालीमी कारकुनों की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का बिल पास कर दिया है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो ने अब कानून साजी की है जिसकी नुमाइंदगी कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ के 55,000 तालीमी कारकुनों के लिए हड़ताल करना और उन पर मुहैदा मुसलत करना गैर कानूनी है। ऑन्टेरियो की हुकूमत और कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ के दरमियान सालिसी मुहैदे तक पहुंचने में नाकाम होने के बाद कारकुनों से जुमे को मुलाजमत छोड़ने की तवक्को है। मुलाजमत की कार्रवाई कब ख़त्म होगी इसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं है। स्कूल बोर्ड वालदैन को अगले हफ्ते बच्चों की देखभाल के मुतबादल मनसूबे बनाने का मशवरा दे रहे हैं। किसी मुहायदे तक पहुंचने के बगैर 10,000 तालीमी इमदादी कारकुनान बशमूल मुतवली इब्तदाई बचपन के मौलमीन तालीमी मुआवनीन और इंतजामी अमला सूबा गिर हड़ताल में अगले नोटिस तक शिरकत करेंगे। हालांकि अब ऐसा करना गैर कानूनी है। स्कूल बोर्ड वालदैन को अगले हफ्ते बच्चों की देखभाल के मुतबादल मनसूबे बनाने का मशवरा दे रहे हैं। यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि तालीमी कारकुन नौकरी से फारिग रहेंगे जब तक कि हमारे अराकीन कोई और फैसला नहीं करते। हम इस वक्त तक हड़ताल पर हैं जब तक कि यह हुकूमत ये तस्लीम नहीं कर लेती कि आप तमाम कानून साजी को नाफिज कर सकते हैं, लेकिन आप कारकुनों की ऐसी तहरीक को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपकी हद से ज़्यादा तंग आ गई हो। कनाडा में मिनी बजट के जरिए कमज़ोर तबके की मदद करने की कोशिश की जा रही है। वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का मिनी बजट तुलबा के कर्जों पर सूद माफ़ करता है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा में मिनी बजट के जरिए कमज़ोर तबके की मदद करने की कोशिश की जा रही है। वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का मिनी बजट तलबा के कर्जों पर सूद माफ़ करता है। कम आमदनी वाले कारकुनों को ज़्यादा रकम भेजता है। हुकूमत 30.6 बिलियन डॉलर के नए अखराजात की पेशकश कर रही है क्योंकि ये अगले साल का साद बाजारी के लिए तैयार है। वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक एक मल्टी बिलियन डॉलर का मंसूबा जिसमें मजीद अखराजात का मुतालबा किया गया है, यहाँ तक कि जब मईशत का साद बाजारी के दहाने पर खड़ी है। सूद की शरहें अब भी बुलंद होने वाली हैं जबकि फ्रीलैंड ने आसमानी महंगाई के इस दौर में माली इंतजाम का वादा किया है। मिनी बजट नए प्रोग्रामों की तजवीज़ पेश करता है ताकि कीमतों में इजाफे से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले कुछ लोगों की मदद की जा सके, जिसमें तुलबा और कम आमदनी वाले कारकुनान की मदद,
एक हकीकी मजबूत सनती पॉलिसी मुस्तकबिल की इक्तिसादी तरक्की के लिए कनाडा को पोजीशन देने के लिए शामिल है। फ्रीलैंड ने ऐलान किया कि तमाम फेडरल स्टूडेंट और अप्रेंटिसशिप लोन मुस्तकिल तौर पर सूद से पाक होंगे और उन लोगों को कनाडा वर्कर्स बेनिफिट की अदायगी खुद ब खुद भेजने के लिए मल्टी बिलियन डॉलर के मंसूबे की नापाक कुशाई की है जो पिछले टैक्स साल में अहल है। इस दस्तावेज में US इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के जरिए हाल ही में रियासत हाई मुतहदा में मुतारिफ कराए गए क्लीन एनर्जी मरात में से कुछ से मिलने का मंसूबा भी शामिल है जिसे हुकूमत कनाडा में मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए खतरे के तौर पर देखती है। जनूबी ओंटेरियो के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, जबकि एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इस सिलसिले में फॉग एडवाइजरी भी जारी की गई है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी ओंटेरियो के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जबकि एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इस सिलसिले में फॉग एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसमियाती एजेंसी ने जनूबी ओंटेरियो के कई इलाकों में धुंध की वजह से तकरीबन हद निगाह सिफर हो जाने का मशवरा दिया, जो लंदन से टोरंटो के इलाके में किंगस्टन तक और शुमाल में बैरी, मस्कोका और कॉटेज मुल्क तक फैली हुई है। एजेंसी ने कहा कि हद निगाह नुमाया तौर पर और अचानक सिफर के करीब कम हो सकती है, जिसकी वजह से सफ़र के ख़तरनाक होने की तवक्को है। इसमें मजीद कहा गया है कि अगर बहुत सुस्त गाड़ी चलाते हुए हद निगाह कम हो जाती है तो आगे टेल लाइट्स देखें और अचानक रुकने के लिए तैयार रहें। फॉग एडवाइजरीज उस वक्त जारी की जाती हैं जब धुंध में सिफर के करीब मरियत मुतवक्के हो या वाक़े हो। दूसरी जानिब एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हफ्ते के रोज़ 20 और कम से कम दर्जा हरारत इतवार के रोज़ रात के औकात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। यूक्रेन ने ईरानी साख्ता 10 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया, जबकि यूक्रेन की वजारत दिफा ने रूसी सदर प्यूटिन से मुतालिक तहलकाखेज इंकशाफ किया है। मसीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। यूक्रेन ने ईरानी साख्ता 10 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया, जबकि यूक्रेन के वजारत दिफा ने रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन से मुतालिक तहलकाखेज इंकशाफ किया है। यूक्रेनी वजारत दिफा के इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह मेजर जनरल कैरोलो बदनोफ ने गैर मुल्की अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि क्या रूसी सदर प्यूटिन जिंदा भी हैं या नहीं। उन्होंने तहलकाखेज इंकशाफ किया कि रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन के 3 बॉडी डबल्स हैं। तीनों बॉडी डबल्स ने प्यूटिन जैसा नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी। अपने सवाल की वजह जनरल बदनोफ ने यह बताई कि पहले प्यूटिन अहम मौकों पर बॉडी डबल्स इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब बॉडी डबल्स तवातर के साथ नजर आने लगे हैं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के मजीद इलाकों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूक्रेन भी अपने इलाके वापस लेने की कोशिश में है। अरब मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 10 ड्रोन मार गिराए हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ईरानी साख्ता है जो रूस इस्तेमाल कर रहा है। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बहीरा अस्वद में बहरी बेड़े पर हमले में यूक्रेन की हिमायत करने पर बरतानवी सफीर को तलब किया जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा कर दिया। शरह सूद 2.25 से बढ़ा कर 3% कर दी गई है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा कर दिया। शरह सूद 2.25 से बढ़कर 3% कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसलसल 8वीं बार इजाफे के बाद बरतानिया में शरह सूद 14 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी मीडिया ने आइंदा बरस शरह सूद बढ़कर 4.75% तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब अमेरिका में फेडरल रिजर्व की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में बड़े इजाफे की तवक्को है, जहां पर वस्त मुद्दती इंतखाबात के आखिरी दिनों में सियासतदान दबाव बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व ने मुल्की मौशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए जारहाना मुहिम का आगाज कर रखा है, क्योंकि महंगाई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अमेरिका में लोगों का बजट मुतासर हो रहा है और वोटर्स की अवलिन तरजीहात में मौशी मसाइल पर काबू पाना है। मरकजी बैंक कर्जे लेने की लागत में इजाफा और उसकी तलब कम करने के लिए रमा बरस बेंच मार्क रेट 5 बार बढ़ा चुका है, जिसमें 3 बार 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा शामिल है। मुतादित माहरीन फेडरल रिजर्व से तवक्को रखते हैं कि वो 4थी बार 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करेगा। तमाम नजरें इस इशारे की जानिब हैं कि आने वाले महीनों में कम जारहाना पॉलिसियों की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।